महेश तल्ला, विधानसभा में हो रहे उपचुनाव के दौरान माकपा के प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करने पहुंचे माकपा नेता सुजन चक्रवर्ती। इस दौरान उन्होंने एक चुनावी सभा को भी संबोधित किया। आपको बता दें कि महेश तल्ला में उपचुनाव हो रहा है, जो कि वहां के विधायक के मरने के बाद सीट खाली हुई थी और उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव की तिथि घोषित की गई थी। इसी उपचुनाव के दौरान माकपा ने एक चुनावी सभा का आयोजन किया था, जिसमें शिरकत करने पहुंचे थे माकपा नेता सुजन चक्रवर्ती। आइए हम आपको सुनाते हैं सुजन चक्रवर्ती ने चुनावी सभा के दौरान क्या कुछ कहा। সারা রাজ্যে গণতন্ত্রে শ্রাদ্ধ করেছে পশ্চিমবাংলায় শাসক দল, পঞ্চায়েতের নির্বাচনে আমরা তা বুঝেছি। এতৎসত্ত্বেও মানুষের অধিকার রক্ষা করার লড়াই, জীবন জীবিকার, শান্তির, সম্প্রীতির এই লড়াই আমাদের করতেই হবে। এই লড়াই বামপন্থীরা ছাড়া আর কেউ করতে ভালো করে পারবে না।